प्लेसमेंट की जब तैयारी कर रहे होते हैं तो हम कई बार डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन एप्टीट्यूड को वहां पर हम इग्नोर कर देते हैं। अगर आप नॉन टेक रोल के अंदर जा रहे हो तो एप्टीट्यूड को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे इंटरव्यू के अंदर और टेस्ट के अंदर दोनों के अंदर एप्टीट्यूड पूछा जाने वाला है। लेकिन अगर आप लोग टेक रोल के अंदर जा रहे हो और आपको लगता है कि मेरे से तो बस डीएसए पूछा जाएगा, तो आप गलत हो। एप्टीट्यूड आपसे पूछेंगे। कई बार आप देखोगे कि 600 लोगों ने अप्लाई कर दिया किसी रोल के लिए और वहां पर इंटरव्यूअर हैं सिर्फ 4, तो वो 4 लोग इतने सारे लोगों को कैसे फिल्टर करते हैं? तो सबसे पहला फिल्टर लगाए थे वो एप्टीट्यूड का, कि इसमें से 600 में से 100 लोग बाहर निकाल लेते हैं। एप्टीट्यूड के अंदर कौन से क्वेश्चन आते हैं भैया? तो कौन से क्वेश्चन ये होते हैं बेसिकली कि इतने लोग अगर 10 दिन में काम कर पाते हैं तो 4 लोग कितने दिन में काम कर पाएंगे, इसका भाई ये है, इसकी मम्मी ये है, तो इसका बेटा कौन होगा, इस टाइप के ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एप्टीट्यूड के अंदर। और हम इसको कई बार कर लेते हैं इग्नोर कि क्या करना है इसका, कोई नहीं पूछता ये सब तो, ठीक है, या फिर पूछा भी तो कर लेंगे, ये तो 8वीं क्लास में करते थे, तो 10वीं क्लास में करते थे। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गलत हो। मैंने खुद एप्टीट्यूड को एक बार इग्नोर करने की गलती कर दी थी। एक बार मेरे कॉलेज के अंदर अडोबी आई थी, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, पहले तो 90 मिनट का एक कोडिंग टेस्ट रख दिया। उस कोडिंग टेस्ट को मैंने बड़े आराम से क्लियर कर लिया, 90 मिनट का था, मैंने उसको आराम से 45 मिनट में ही 3 क्वेश्चन सारे टेस्ट के पास। मैं एकदम खुश हो गया कि अब तो बस इंटरव्यू की तैयारी करनी है। लेकिन कुछ देर बाद वो बुलाते हैं कि आओ, अभी तो अब तुम्हारा एप्टीट्यूड का टेस्ट बच रहा है। मैंने जाकर टेस्ट दिया, मैंने सोचा कि क्या ही है, कोडिंग के क्वेश्चन तो हो गए, ये वाले भी हम ऐसे मजे में कर लेते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कर दी थी, जिसके चक्कर में मेरे कोडिंग टेस्ट के सारे क्वेश्चन होने के बावजूद भी मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया था। तो ये वाली गलती तो मत करना कि आप लोग हल्के में ले लो एप्टीट्यूड टेस्ट को, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट को गलती से भी हल्के में नहीं ले सकते। फिर मैंने अपने बैच के कुछ बच्चों से पूछा जो एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करते थे, ठीक है, उन्होंने बताया कि हम सीधे नहीं बैठे थे इस टेस्ट के अंदर, हमने तैयारी की थी, हम पिछले 8-10 दिन से एप्टीट्यूड के ऑनलाइन टेस्ट देते आ रहे हैं। किस तरीके से तैयारी करनी है, कितनी तैयारी करनी है, कहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे आते हैं, वो सब हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यार देखो, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज होते हैं, लेकिन टोटल आपको 4 कैटेगरीज पढ़नी है अगर आप लोगों को टेक या नॉन टेक रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है? सबसे पहले आपकी क्वांटिटेटिव या क्वांट कहते हैं जिसे, दूसरी होती है आपकी वर्बल रीजनिंग, तीसरी होती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग, और चौथी होती है आप लोगों की प्रोग्रामिंग स्किल्स। इन 4 के अंदर ही आप लोगों के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। सबसे पहले बात करें अगर क्वांटिटेटिव की, तो उसके अंदर आपके आते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, रेशियो एंड मिक्सचर, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज वाले क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपकी जिसमें आपकी मैथमेटिक्स इंक्लूडेड होती है, ये सारे आपके क्वांटिटेटिव के अंदर आते हैं। अगला होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग, इसके अंदर क्वेश्चन आता है जैसे कि ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन हो गए, सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, इसके अलावा पैटर्न मैचिंग हो गए, अगला पैटर्न कौन सा होगा, ये वाले क्वेश्चन हो गए, तो ये सारे आप लोगों के लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं। तीसरा होता है आप लोगों का वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग के अंदर आप लोगों की इंग्लिश चेक करते हैं कि इंग्लिश के अंदर आप लोगों की ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं आप लोगों की, या फिर प्रपोजिशन वगैरह आपकी अच्छी है, तो ये सब चेक करेंगे आप लोगों के। एंटोनिम सिनोनिम और वोकैबुलरी थोड़ी कम देखेंगे इसके अंदर, लेकिन आप लोगों के जंबल्ड अप वर्ड, जंबल्ड अप सेंटेंसेस दे देंगे, या फिर आप लोगों को दे देंगे ये बहुत सारे सेंटेंस हैं, इनमें से गलत सेंटेंस कौन सा ये बताओ, तो इस टाइप के आप लोगों के इंग्लिश चेक करने वाले टेस्ट होते हैं इसके अंदर। इन सब की प्रैक्टिस कैसे करनी है, भैया मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है मैं कैसे करूंगा, तो सब कुछ मैं अभी आपको बताऊंगा अच्छे से कि कैसे कहां से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद अगला आया था आप लोगों का प्रोग्रामिंग स्किल्स, प्रोग्रामिंग स्किल के अंदर आप लोगों के C++, जावा, पाइथन, इन सब के थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से, ऊप्स बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, इन सब के क्वेश्चन अलग अलग की 4 पिलर कौन कौन से हैं, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एब्स्ट्रक्शन क्या होता है, कुछ कुछ छोटा मोटा कोड दे देंगे आप लोगों को, बोलेंगे कि इसका आउटपुट बताओ क्या होगा, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा आप लोगों से कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप लोगों से ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, RDBMS के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये सब आप लोगों से आप लोगों को प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं तैयारी कितनी करनी है। तो देखो यार, 2 टाइप के लोग हो सकते हैं, एक हो सकता है टेक रोल के लिए जा रहे हैं, एक हो सकता है नॉन टेक रोल के लिए जा रहे हैं। टेक रोल के लिए जा रहे हो तो थोड़ी सी कम अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, प्रिपरेशन लेकिन करनी जरूर है। अगर आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए ना, या फिर एकदम प्रोक्रेस्टिनेट करके चले गए कि कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फंस जाओगे, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे होगे, ठीक है। तो अगर आप लोग टेक रोल के हो तब भी आपको तैयारी करनी है, लेकिन थोड़ी कम करनी है। नॉन टेक रोल के हो तो थोड़ी ज़्यादा तैयारी आप लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एप्टीट्यूड के अंदर तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से आप लोग एप्टीट्यूड के अंदर एकदम बेस्ट तैयारी करके जा सकते हो। लेकिन उससे पहले प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं कि प्लेसमेंट का सीजन आने वाला है, और उसके लिए प्लेसमेंट के अंदर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की तैयारी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसके लिए हमारे प्राइम बैच है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हम आप लोगों को 5 महीने के अंदर प्लेसमेंट रेडी कर देंगे। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है जहां पर आप लोगों को सिर्फ पढ़ा दिया, क्लासेस दे दिया और छोड़ दिया, नहीं, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है। यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाएंगे भी, यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन भी कराएंगे, यहाँ पे आप लोगों को पूरा का पूरा मेंटोर सपोर्ट देंगे, गाइडेंस देंगे, प्लेसमेंट्स के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है वो बताएंगे, साथ में जॉब पोर्टल मिलेगा जहाँ से आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आप लोगों को अवेलेबल है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज दे रही होती है वो सब हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए, इंस्टेंट डाउट सपोर्ट, प्लेसमेंट असिस्टेंस, इन सब के साथ। बाकी आप चेकआउट कर सकते हो वेबसाइट पे जाके, तैयारी कहाँ से करनी है जरा वो देख लेते हैं। तो ये मुझे सबसे बढ़िया वेबसाइट लगती है, जिसको ज्यादातर लोग रिकमेंड करते हैं, वो है indiavix.com। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि काफी सारी चीज़ें, जर्नल एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग, करंट अफेयर, नहीं छूना हमें,
लेकिन इसमें से भैया कौन कौन सा करें, कैसे करें, यहाँ तो बहुत कुछ है। आपको करना क्या है, सीधा क्लिक करना है ऑनलाइन टेस्ट पे, यहाँ वहाँ देखना ही नहीं है कुछ भी, ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करना है। अब ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर अगर हम गए तो इसके अंदर करना क्या है, यहाँ पर देख रहे हो आपको 20 क्वेश्चन मिले 30 मिनट के अंदर। अब शुरुआत में जब आप जाओगे ना तो आप लोगों से 30 मिनट में हो सकता है ना हो सकता है 40 मिनट लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉप वॉच लेके बैठना है और जैसे क्लिक करते हो वैसे दिख लेना है टाइम कितना स्टार्ट हो गया, ठीक है। वैसे इसमें एक टाइमर आता है 30 मिनट का, लेकिन हाँ यहाँ पर हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन आपको डेली यहाँ पर अपना टाइम बिताना है। हो सकता है एक दिन आप दो कर रहे हो, फिर आप तीन कर रहे हो, इस तरीके से दो दिन डेली कर लोगे ना, अगर लास्ट के 10 दिन में कि हमारी प्लेसमेंट आने वाली है, कंपनी में जाने वाला हूँ, ऑनलाइन टेस्ट आने वाला है, उससे लास्ट के 7-8 दिन पहले भी आपने स्टार्ट कर दिया तो भी यू आर गुड। अगर हम यहाँ पर टेक रोल की बात करें तो नॉन टेक वाले हो तब तो आप लोगों को 2-3 महीने पहले से तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, और उसके लिए आप लोगों को अलग अलग टॉपिक वाइज तैयारी करनी होगी। फिर वर्बल एबिलिटी की अलग तैयारी करनी है, अरिथमेटिक की अलग तैयारी करनी है, डेटा इंटरप्रिटेशन की अलग तैयारी करनी है। लेकिन अगर आप लोग टेक वाले हो तो आप लोगों को सिंपल यहाँ पर आके सीधा टेस्ट देना है, और यहाँ पर आप लोगों को सारे टेस्ट एक साथ मिल जाएंगे, और ये टेस्ट जरूरी है देने। आप लोगों को शुरुआत में ज़्यादा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आप देखोगे कम टाइम लगेगा, शुरुआत में लग रहा है 40 मिनट, उसके बाद लग रहा है 30 मिनट, फिर लग रहा है 20 मिनट। मुझे आज भी आता है, मुझे जब मैंने लास्ट सॉल्व किया था इसे जब बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो गई थी तो मेरे से 12 मिनट में ये 20 क्वेश्चन हो गए थे इसके अंदर से कोई से सेट के, और तब बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद ऐसा भी होता है कि जब आप लोगों के सामने रियल वर्ल्ड में क्वेश्चन आता है, रियल टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, तो आप बड़ी जल्दी कर पाते हो क्योंकि आपका माइंड उस टाइम पर ट्रेन हो चुका होता है, वरना अगर आप उसी टाइम टेस्ट में माइंड ट्रेन करने बैठोगे ना तो नहीं हिलेगा। तो इसी के साथ चलते हैं यार, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। बाय बाय।